पंडित भातखंडे जी का कलात्मक विश्लेषण, ये आज का विषय है। आप जानते ही हैं कि भारतीय संगीत का आधार 12 स्वरों पर हुआ है, जिनमें 7 शुद्ध और 5 विकृत। शुद्ध स्वरों के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, जो कुछ चमत्कृति है वो उन विकृत स्वरों में है, और विकृत स्वरों के उपयोग से अलग अलग आविष्कार होते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि शुद्ध स्वरों का आविष्कार से अलग अलग आविष्कार नहीं हो सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से जिस पर पंडित भातखंडे जी ने अधिक जोर दिया उसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरे इस विवेचन को मैंने 2 विभागों में बांटा है। पहले कलात्मक विश्लेषण के संबंध में कुछ पूर्व पीठी का बांधकर, फिर बाद में उन्हीं का उपयोग रचनाओं में किस प्रकार किया जाता है वो मैं दूसरे भाग में बताऊंगा। पंडित जी ने 12 स्वरों पर अपनी पद्धति का आधार किया। वो श्रुतियों के झंझट में नहीं पड़े, सिर्फ व्यवहार के लिए उन्होंने श्रुतियों का विभाजन किया है, लेकिन श्रुतियों का उपयोग वो अवश्य करते थे और वो महत्व है, उसकी कोई निश्चित सीमा या उसका कोई निश्चित स्तर नहीं है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इस बात को मुझे जब समझ में आई तब मैंने उसमें अधिक खोज की। एक दिन ऐसे ही गुरु जी के सानिध्य में बैठे हुए थे तो कुछ सीखते समय उन्होंने एक संगति कही मुझे, सीधी संगति है, और उसमें उन्होंने कहा कि देखो इसी संगति को अलग अलग शेड देने से किस तरह रागों का स्वरूप बदलता है, संगति एक ही है। तो वो संगति मैं पहले आपको बताऊं। चार ही सुर हैं। अब इन्हीं 4 सुरों को मैं अलग अलग प्रकार से गाता हूं। ये तो नीरे स्वर हो गए, कोमल नी, शुद्ध रेवत, शुद्ध निषाद और षड्ज। अब देखिए एक ये उसका आविष्कार है और दूसरा आविष्कार है निधनिसा। ये वही निधनिसा है। और तीसरा एक आविष्कार, स्वर वही है लेकिन लगाव क्या है। तो ये लगाव जो है वही अपने संगीत में महत्व रखता है। हमारे संगीत में एक दूसरी खासियत यह है कि कोई स्वर अकेला नहीं है। किसी सुर पर हम जाते हैं तो किसी दूसरे सुर का आधार लेके हम पहुंचते हैं, उसका अप्रोच ही दूसरे सुर के माध्यम से होता है। जैसे इंग्लिश नोटेशंस या स्टैकेटो वे में हम नहीं गाते हैं, जैसे खड़े स्वरों में हम नहीं गाते हैं, जैसे सारे गाओ मापादा, ये स्वर हुए। जैसे अक्षर और भाषा, भाषा में उच्चार आते हैं, उच्चार के साथ उसके स्ट्रेस आता है, जोर आता है। जहाँ कि हम किसी सुर पर जोर देते हैं, किसी स्वर को किसी और सुरों के माध्यम से हम लेते हैं। तो ये सब बातें जब हमको हम मद्देनजर रखते हैं तब उस राग की पर्सनैलिटी हमारे सामने आ जाती है।
और यही बात पंडित जी ने जगह जगह पर जब उन्होंने शास्त्र समझाया है, रागों का शास्त्र, तब उन्होंने जगह जगह पर इन्हीं बातों पर अधिक जोर दिया है। इस पर से यह सिद्ध होता है कि यह कला क्रियात्मक कला पहली है, शास्त्र उसके पीछे पीछे आता है, शास्त्र एक मापदंड है, लेकिन कला जो है उसको आविष्कार करना है। अब मैं ये विषय इतना बड़ा है कि मैं बहुत अधिक इसमें विस्तृत चर्चा में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ी मोटी बातें आपको बताऊँ जो मैंने अभी पूर्व पीठी का जो कही उसके आधार पर कुछ उदाहरण देता हूँ। कोमल ऋषभ देखिए, अब मैं सीधा कोमल ऋषभ गाता हूँ, कोमल ऋषभ को मैं अलग अलग तरह से आपके सामने रखता हूं, देखिए कैसा भास होता है उसका। मैं उस ऋषभ को एक दूसरे माध्यम से उच्चार कर रहा हूं। अब दूसरा एक उच्चार देखिए, तीसरा उच्चार देखिए, अब तीनों के दर्जे अलग अलग हैं। मारवा का ऋषभ है, एक श्री अंग का ऋषभ है, दूसरा भैरव अंग का ऋषभ है, सभी कोमल ऋषभ, लेकिन उन स्वरों को मैंने अलग अलग स्वरों के माध्यम से उस पर मैंने आया, उस स्वर पर आने की कोशिश की, जिससे वो राग की पर्सनैलिटी होती है। तो उच्चार जो है स्वरों के, ये बहुत महत्व रखते हैं। अगर किसी राग का ध्यान हम देखते हैं तो उसका समूचा स्वरूप हम हमारे सामने रखते हुए उस स्वर पर हम अप्रोच होते हैं। सिर्फ स्वरों के माध्यम से हम राग नहीं सीखते हैं, जैसे कि हम भाषा बोलते हैं व्याकरण द्वारा नहीं, भाषा पहले हम गुरुमुख से सीखते हैं और बाद में उसका विश्लेषण करते हैं, उसमें कर्ता कहाँ है, क्रियापद कहाँ है, ये सब चीज़ें। लेकिन पहले क्या है, जो भाषा है वो पहले अवगत होनी चाहिए, और भाषा गायक वादकों की भाषा में अगर हम कहें तो यही उच्चार है। उच्चार को जब हम घोटते हैं तब वो राग का स्वरूप हमारे ध्यान में आने लगता है।
अब गंधार देखिए, कोमल गंधार। पर्सनैलिटी सामने आ जाती है जब इस गंधार का हम उपयोग करते हैं, है वही कोमल गंधार। परिवार के दोनों राग तोड़ी ठाट के ही सुर हैं, लेकिन एक का गंधार देखिए और एक सायंगी गंधार है। ये चंद उदाहरण है, वैसे तो कई रागों में कई शेड्स लगते हैं। अब आया मध्यम, मैं सिर्फ विकृत स्वरों की बात कर रहा हूं। तीव्र मध्यम, वैसे यहां हारमोनियम में मिलेगा। अब मैं ललित पर पहुंचूं तब उसमें तीव्र निषाद तीन प्रकार के लगते हैं। तीव्र निषाद एक ही स्वर तीन डिग्री से जाते हैं, नीचे के स्वर के लगाव से, थोड़ा सा झुकाव होने से, और जब ऊपर बढ़ते हैं तब। वही ललित में तीव्र मध्यम तीन प्रकार से लगते हैं। सब गवैये गाते हैं, जो ताली मजा गवैये होंगे वो मेरे गम मा
शायद काफी में समाज में अलग अलग स्तर से निकलते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उच्चार जो हैं ये एक बाजू हो गई इस विषय की। अब राग कैसे बनता है, राग की व्याख्या ही कहती है ध्वनि विशेष, ये उसका गर्भ अर्थ है। ध्वनि विशेष, ऐसी ध्वनि विशेष जो स्वर वर्ण विभूषित है, वर्ण युक्त स्वरों से विभूषित है। वर्ण चार प्रकार के हैं, यानी जिसको हम मूवमेंट कहते हैं, स्वर मूवमेंट, स्वरों की गति। गति तो एक स्वर से नहीं होती है, गति को एक से अधिक स्वरों की आवश्यकता होती है। तो कॉम्बिनेशन, स्वर संगतियों की कलात्मक रचना जहाँ होती है उसको हम राग कहते हैं। और जो जनचित्त आकर्षण भी हो, जिसका जिसके माध्यम से होना चाहिए। तो इन सुगठित स्वर संगतियों को हम एक स्वरूप देते हैं, तब उसको हम राग कहते हैं। उत्तरांग पूर्वांग दोनों उसमें बराबर बैलेंस होने चाहिए, समतौल पर पूर्वांग उत्तरांग। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ग सा ग सा स ग सा स। अब एक विचार, अब यही ग सा देखिए, हिंडोल में पंडित जी ने कहा है कि गसा के अगर उच्चार करना हो तो थोड़ा सा शुद्ध मध्यम पर झुक कर फिर पीछे आओ, सीधा गसा नहीं है। देखिए गसा, ये तो गसा 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 अगर आप फोर्सफुली तीव्र मध्यम से आएंगे तो देखिए उसका स्वरूप कैसे होता है। ग
गासा लेकिन गासा गासा गामासा। अगर बहुत विश्लेषण करने जाएंगे लेकिन उसका दर्जा देखिए कहां पर, आपका शुद्ध मध्यम का भास होगा लेकिन वो स्वर नहीं रहेगा। सा गा गा अब मालिश में भी गसा लगता है तो सीधा है गसा। और तीसरा एक देखिए अभी इसमें भी ऋषभ का गौणत हुआ है और इसमें इसमें भी ऋषभ का गौणत हुआ है लेकिन दोनों का उच्चार अलग है। ऋषभ का उच्चार देखिए पगा पगा गा गा गा। तो अगर मैं गाऊंगा तो एक ही स्वर संगति से लगता है कि कौन सा राग शुरू कर रहे हैं। जैसे अब इसी का जवाब मिलेगा आपको नीप में, दोनों रागों में जिसमें ए उच्चार होगा वही उसका जवाब वहां मिलेगा। गाम गाम वैसे देखा जाए तो बिहार एक ही स्वरांतर से मंडा हुआ राग है, अर्धांतर। निसा 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 सानी 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 एक ही स्वरांतर है। निसा जमा अभी आपस में जुड़े जाएंगे दोनों का बैलेंस होते हुए, फिर उसमें प्रबल दुर्बल स्वरों का उच्चार होते हुए राग का मंडल होता है। गा पा गा सा नी पगा पगा गा पनी सानी पनी नी सानी पगा पगा गा इन स्वर संगतियों को पहले विद्यार्थी घोटे बाद में स्वर समझे तब राग की पर्सनैलिटी उनमें अपने आप उभरने लगेगी। अब ललित में देखिए धैवत
कुछ लोग कहते हैं हम कोमल धैवत से गाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तीव्र धैवत से गाते हैं। न वो तीव्र है न कोमल है। ललित में धैवत एक पासिंग नोट है, लिंकिंग नोट है। धैवत कहेंगे आप? इसका जीवंत उदाहरण में अगर दूं, ये कहिए कि पंडित भातखंडे जी की खुद की इजाद नहीं है। अगर आप उस्ताद फैयाज खान साहब के अगर रिकॉर्ड सुनी होगी तो आपको ये दैवत का अपने आप अनुभव होगा। तेरे पते हूं जैसे जल बिन मैं, तेरे पते हूं जैसे जल बिन मैं, कहां से आहा मैं तुमरो, कहाँ से हाँ मैं तुम रो तरपत हूँ जल जन मैं, तरपत हूँ जैसे जल बिन मैं, तरपत हूँ जैसे जल बिन मैं, हाँ मैं तरपत तुम जानत नहीं, हाँ मैं तरपत तुम हम तरपत तुम जानत नहीं, काहे को ले ढिंग तरपत हो जैसे तन बिन तो इसमें कौन सा देवत रखेंगे? लेकिन इसका झुकाव तीव्र देवत पर अधिक है, उसका झुकाव तीव्र देवत की तरफ है। नोटेशन में सभी बातें नहीं लिख सकते हैं। अगर हम कोमल देवत लिखेंगे तो वो ही तोड़ी गाएंगे, जैसे अब बाहर देखिए, बाहर एक बहुत रंगा बिरंगा राज है। अब इसमें गंधार देखिए कैसी लगती है, कोमल गंधारी है
और मियां मलार की भी कोबल गंधार है। दरबारी की गंधार तो आपने सुनी। अब ये उच्चार होगा तब वो मियां मलार कहेंगे। कोमल शाह तो मैंने माप गा मने धने सन धने नीप माप गा मने अब मियां मलार में धैवत हमेशा कोमल शाह के साथ गुथा हुआ है। मुक्त धैवत मियां मलार में नहीं है। इस पर से मुझे एक बात क्यों आती है। एक बार एक बंदिश बनी हुई थी लक्षण गीत, हमारे गुरुजी ने ही बनाई हुई थी और उसका नोटेशन किया था जब मैं बिल्कुल प्राथमिक अवस्था में उनके पास पढ़ता था। और वो बंदिश में एक संगति आती थी तो उनके बड़े गुरु भाई पंडित वाडीलाल शिवराम जी, जिनका कि पंडित भातखंडे के साथ 35 वर्षों से अधिक दिन रात का सहवास था, उन्होंने कहा कि बाबू भाई आ खोटू छे, एमा आम नथी, तो तमे बोलो। तो उन्होंने जो समझाया तब मेरी आंखें खुली कि मेरे के उच्चार में कितना महत्व रखता है। वो कॉम्पोजिशन का एक मैं नमूना सुनाता हूं आपको। सुनो सो जनु आए रागनी को, सुनो सो जनु आए रागनी को, सुनो सो जनु आए रागनी को, रागनी दोनों संगत सोहे अत सुख जाइए वादे संवादे समा, संगत का नगमल हरि संजोगिनी रंजनी को सुनो सो जनु आए रागिनी। अभी दोनों उन्होंने कहा कि बाहर छे भाई मलार क्या छे, तो मलार ना उच्चार कई रीते करवानो, तो आम जो छोटो भाई आम गाओ। मुझे वाडीलाल जी ने कहा, मैंने कहा कि बताइए। तो सुनो सो जनु आए रागनी को,
by Ragini. Dona Ate sukhata ye vaadhe samvaadhe samaan Sajat ka narmal hari sa jogini Ranjani raagani ko suno to jenu maaragani तो इस पर से क्या होगा कि निधन ईसा सिर्फ गाने से तब मुझे गुरुजी ने समझाया देखो कर्ण रूप से कैसा होता है तो मैंने अपना भाषण जब शुरू किया निधा निसा ने निसा निधा निसा निधा मगा मनिधा निधा निसा मगा मनिधा निधा निसा अभी निधा निसा अगर ये कहेंगे तो खुमाज सीधा सामने आ जाता है गा मनिधा निधा निसा निधा निसा निधा मगा मगा सा गमा गामा निधा निसा पुराने गवि कबूल नहीं करेंगे गामा निधा 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 निसा निधा मगा निधा मगा 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 सा उचार जो है अब आपको कुछ पंडित जी की रचना भी सुनाता हूं पंडित जी जैसा कि कहा गया एक अच्छे गायक थे और इतना जरूर है कि उन्होंने अपना संगीत का पेशा नहीं किया लेकिन आप इतना समझेंगे जो इतने बारीकाई में इतने विश्लेषण कर सकते हैं वो कितने गाढ़े गवि होंगे हम और आप नहीं समझ सकते हैं इतना ही नहीं वो गुरुजी कहते थे कि वो उन्होंने सामूहिक शिक्षण के लिए स्वरलिपि का आविष्कार जरूर किया लेकिन वो खुद उनके तीन प्रमुख शिष्य थे एक पंडित रतन जनकर जी दूसरे वाड़ीलाल शिवराम जी और तीसरे एक वकील थे उनके मित्र शंकर राव जी कारनाड इन तीनों को अस्थाई अंतरा वो तीन तीन घंटा खुद अपने सामने अपने गले से गाकर घुटवाते थे और अपने हाथ से लिखकर उनको एक स्मरणार्थ उसकी कॉपी दे देते थे वो कहते थे पहले मैं कैसे गाता हूँ उसका उच्चार समझो ऐसी प्रत्येक बंदिश को उन्होंने गले से गाकर उनको सिखाया तो वो इन उच्चारों पर अधिक लक्ष्य देते थे अगर वो प्रत्यक्ष गायक नहीं थे ये अलग बात है कि वो वकालत उन्होंने करके उनको कोई इसमें पैसा कमाना नहीं था उन्होंने महफिल में आकर गाया नहीं उपजीविका नहीं बनाई लेकिन वो बहुत ऊंचे दर्जे के गायक थे यहाँ कई लोग बम्बे में उनसे लाभान्वित हुए हैं उनके गायन जिन्होंने सुना भी है उनकी कुछ रचनाएं अब देखिए कुछ रचनाएं कव्वाल बच्चों की होती हैं जिसमें कि लय के साथ अलग अलग बोल बनते जाते हैं उनको कव्वाल बच्चों की गीत बनते हैं तो लय का समन्वय कैसे साथ हैं और बंदिश जिसको हम आउटलाइन कहते हैं वो एक चीज़ है और उसको सजाना किस तरह लय के लालित्य से उस चीज़ में कैसे बदल हो जाता है वो आपको एक नमूना बताऊं मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको दे रहा हूं एक विषय ले जाएंगे तो फिर आपको दो तीन दिन यही विषय चलेगा ये बरजो दिन दिन ना बरजो बरजो मैं जैसे आउटलाइन है वो बताता हूँ गागर पोरी गागर पोरी बरजोरी बरजो
कन्हाई पन खट बे मोरे बदरो। अब देखिए उसका लहक, अब इसके आघात देखिए, बर जोरी कागर पोरे पन खट पे मोरी। अब ये उचारी देखिए, सब कहते हैं मारे पगामा रे साबर जोरी, लेकिन पन घट पे मोरी बर जोड़ी गागर पूरी बर जो। कंगन हुआ मोरा तो आप सब जानते हैं, केदार में बहुत मशहूर चीज है, अक्सर लोग गाते हैं, खाली से उठते हैं। ए कंगन हुआ मोरा, आते ही मोला कंगन हुआ मोरा, आते ही मोला कंगन हुआ मोरा, आते ही मोला मीनदार रख लो लोगाए, अब मैं कैसे घर जाऊं कंगनुआ मोरा, आते ही मोला कंगनुआ मोरा। पंडित जी कहते थे ये तालीम नहीं है, ये सहूलियत है। हे कंगनुआ मोरा, हे कंगनुआ मोरा, आते ही मोला कंगनुआ मोरा। अभी इतना बदल गया मुखड़ा, आते ही
के उच्चार उन्हीं के हैं। मैं अपनी दावे के साथ कहता हूं, पंडित जी इसी उच्चार के साथ गाते थे, इसका नमूना मैं हूं। पंडित जी की एक खासियत थी कि वो आलाप तान बहुत कम करते थे, अलग अलग वाक्यों को लेकर अलग अलग स्वर संगतियों से उस राग को सजाते थे, उस चीज को उनकी खासियत थी। इनते नाम अब मैं कैसे घरवा जाऊं कंगनुआ मोरा, अब मैं कैसे घरवा जाऊं कंगनुआ मोरा, अतिया मोला कंगनुआ मोरा, हाँ कंगनुआ मोरा, अतिया मोला मिलदार, रखिलो लोकाई अब मैं कैसे घरवा जाओ कंगनुआ मोरा, अतिया मोला। जो तुम दे हो दे हो, जो तुम दे हो तो गुण मान, जो तुम दे हो तो गुण मान, जो तुम दे हो तो गुण मान, ना तो कढ़ैया तेरा नाम कंगनुआ मोरा, कतिया मोला कंगनुआ मोरा, अभी अब देसी में देखिए गंधार प्रबल नहीं है, अक्सर गाया जाता है और उसमें धैवत का भी मतभेद है, लेकिन पंडित जी कहते थे उसकी धैवत की जगह देखिए, और गंधार दब गया है क्योंकि ये परमेल प्रवेशक राग है, सारंग की ओर आपको ले जाता है, तो धैवत कम हो गया है देसी में। सारंगी है ना, री रे रे इसमें रे माप रे रे गले सरे गुंदे गुंदे ना, एक भी कवाल बच्चों का ख्याल है। गुंदे गुंदे ना वो दे गुंदे गुंदे ना वो गुंदे गुंदे ना फूलों ने हार वो गुंदे गुंदे
आज मोरे घर, आज मोरे घर, आज मोरे, आज मोरे घर, आज मोरे, मोरे घर आए, आज मोरे घर, मोहन कवाल बच्चों के अलग अलग कर फिर वही मुकड़ा पकड़ना है। मोहनिया सुनाता हूं दिनकर जी की फरमाइश पर हमारे गुरुजी ने बनाई थी। हटो हटो जाओ छांडो अब मोरे गैल ना कतिन धात का धीना दिन दिन एक काला दिन दिन धात का तू ना करता धीत का धीना। हटो हटो जाओ छांडो अब मोरे गैल जाओ छांडो अब मोरे गैल हटो हटो जाओ छांडो अब मोरे गैल जाओ छांडो अब मोरे गैल हटो हटो जाओ छांडो अब मोरे गैल लंगर रेग चल नहीं मैं तो दूंगे गारी दो ना मानोगे करोगे लड़ाई देखो हटो हटो जाओ छांडो हटो जाओ छाड़ो अब मोरे गैल जाओ छाड़ो अब मोरे गैल लंगर देख चल नहीं मैं तो दूंगी कारी तो को ना मानूंगी करूंगे लड़ाई देखो हटो हटो जाओ छाड़ो निपट निर अतनी लज निपट निर अतनी लज माट खाट रोकत ठोकत झगड़ो करत नित नाही तो सोको साज देखो हटो हटो जाओ छांडो अब मोर गैल जाओ अब मोर गैल। अब सारंग तो बहुत पुराना राग है लेकिन उसके खास उच्चार है। मैं कहूंगा सारंग मल्हार जैसे कि मैंने कल आपको बताया जितने कानड़े हैं वो भी सारंग का अंग लिए हुए हैं, मल्हार भी सारंग का अंग लिए हुए। सारंग ये सबसे पुराना राग है, बिल्कुल आज 13वीं शताब्दी से आज तक उसका स्वरूप वही रहा है, उसमें कोई बदल नहीं हुआ। कुछ राग हमारे यहाँ ऐसे अभी तक कायम है उसमें सारंग एक बहुत प्राचीन राग है। सारे मा पनी नानी भमरे सा कर्नाटक संगीत में भी सारंग इसी को कहते हैं, उनके अभी यही रूप है उसका। लेकिन सारे मा पनी भमरे सा ये राग नहीं है तो उसके उच्चार पंडित जी कहते हैं कैसे हैं मा परे सा परे सा ये सारे सारे रे मा पनि प मा पनि प मरे मा परे सा रे मा पनि परे सा आछे पीर मोर ये कव्वाल बच्चों का ही ख्याल है। आछे पीर मोर भिन्ना धिन दाधा धिन दाधा धिन
आछे फिर मोर दे तुम आछे फिर मोर दे तुम मौला दिन आछे फिर मोर दे तुम आछे फिर मोर दे तुम मौला दिन रोशन जहां में रोशन जहां रोशन जहां में नाम तिहार नाम तिहार मोहे लागी नित कुमरिया आछे फिर मोरे आछे फिर मोरे आछे फिर मोरे तुम आछे फिर मोरे। और इन्हीं सुरों से मंडित मेघ मल्हार भी, उसमें कोई हमारे यहाँ कोमल गंधार का प्रवेग नहीं है, लेकिन मल्हार के वेशभूषा लेते हुए इसी स्वरों को अगर हम मंडन करें तो ये मेघ मरार होता है। जैसे देखिए, रे ने रे ने हो ये बा रे 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 बा मा रे रे पानी बाऊ मरे मा पानी नी बाबरे मरे पा गरे जी आगरा घराने में इस तरह गाते हैं। Oh,
घर जे घटा घर गारे रिकारे घर जे घटा घर घर जे घटा घन खारे रिकार घर जे घटा घन कारे रिकार घर जे घटा घर। अब पंडित जी के कुछ रचनाएं मैं गाता हूँ। स्वर अदालत देखिए, उनमें सार्थ गीतों को शब्दों के समन्वय दरबारी की चीज। गिरे धर बेज धर मोरले धर धर गिरे धर बिज धर मोरलिया धर धर गिरे धर बिज धर मोरलिया धर गिरे धर बिज धर मोरलिया धर धर गिरे धर बिज धर मोरलिया धर धर निधर माधो भी सांबर धर में धर माधो पी सांबर शीश मुकुट धर गोप बेक धर गिर धर बिज धर मोरलिया धर मोर धर माधो पीतांबर धरनी धर माधो पीतांबर शीश मुकुट धर गोप भेक धर गिरधर बिज धर कर धर कमल पुष्प सारंग धर कर धर कमल पुष्प सारंग धर कर धर कमल पुष्प सारंग धर चक्र गदा धर आदर सुधाधर चक्र गदा धर आदर सुधाधर काम कसुधर काशुभ मन धर गिर धर मुरलिया धर धर गिरधर बिज गिरधर बिज गिरधर बिज धर मुरलिया धर। अब आड़ा चौताल में एक बंदिश सुनाता हूँ जौनपुरी में। भीत कधी ना तू ना कता मन का मेरे तो मन का भी ना तू ना कता कधी ना दे मेरे तो मन मन कान मेरे तो मन कान मेरे तो मन कान तुम्हार मेरे तो मन का मेरे तो मन कान बस गए रे माँ श्याम सुंदर कमल नन मन चोरी मेरे तो मन का
जब बस गई रे माँ श्याम सुंदर कमल नन मन लल कोने मेरे दो मन छब मेरे तो मन कान घूमर की छब मेरे तो मन कान घूमर की मेरे तो मन माथे की माथे की रीत मुकुट कट सोह पीताम्बराजा के बाल तिलक के सर को अत ही हिल सोर मेरे तो मन कान कुंवर मेरे तो मन कान कुंवर की कुंवर ऐसे कितने ही उदाहरण दे सकते हैं। कल ही मैंने पंडित जी की दो चार रचनाएं सुनाई इस लय में किस तरह उसका लालित्य है। तो पंडित जी लयकार भी थे, ध्रुपदीय थे, सैकड़ों ध्रुपद उन्होंने सीखे थे रिश्ते ताल में भी। और उनका खास ये हमेशा कहना रहा है कि उच्चार की तरफ देखो, स्वरों को उच्चार की तरफ। यही स्थितिक्स हैं संगीत की अगर देखा जाए सही अर्थ में। तानबाजी से रंग मारना अलग बात है, लेकिन उच्चार द्वारा उस राग की पर्सनैलिटी खड़ी करना ये उसका सबसे बड़ा सार है। और पंडित जी की यही हमें सबसे बड़ी देन है कि एक राग को उन्होंने चंद स्वरों में सामने खड़ा करना किस तरह से, यही पंडित जी की असली देन है। अगर यही इसी पर अगर हम अनुकरण करते रहें तो हमें आरोही अवरोही और वादी संवादी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अपने पीछे दौड़ते आएंगे। हम वादी संवादी के पीछे दौड़ते जाते हैं और राग स्वरूप नष्ट हो जाता है। हम तो ये कहेंगे कि उन उच्चार को अगर हम सही अर्थ से अगर सीखें तो वादी समाधि अपने आप हमारे पीछे दौड़ते हैं। जैसे भाषा का प्रभुत्व होगा व्याकरण उसके पीछे दौड़ता आता है। व्याकरण के पीछे हम पड़ेंगे तो भाषा दूर रहती जाएगी। इसी का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको एक राग माला से हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते, उसमें यही बताना है कि जैसे कविता है उसी में उन रागों का स्वरूप आपको स्पष्ट हो जाएगा। यानी कितने छोटे स्वरों में कितने अल्पावधि में उस राग का स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। जितने उस राग के अक्षर भर हैं उसी में उस स्वर आपको मालूम होंगे। तो स्वरों के लगाव किस तरह हैं। फूली बसंत बिंद्रावन मो, बसंत एक आ गया फिर यहाँ बिंद्रावन है। फूली बसंत बिंद्रावन मो पहर प्रभात की आई बहार, यहाँ बहार आ गया और प्रभात भैरव भी आ गया। फूली बसंत बिंद्रावन मो पहर प्रभात की आई बहार, पंचम कूकत कोयल पंचम राग, पंचम कूकत कोयल नाचे विहंग गण विहाग,
धन्यासी, धनाश्री एक राग, धन्यासी देश, धन्यासी देश जामे श्याम सुंदर श्याम कल्याण, कान्हर कारो कानड़ा, नंद दुलारो नंद देसी भयो, 12 रागों का संकलन है। लेकिन इसकी विशेषता यही है कि जैसे राग का नाम आता है वो राग वहां सामने खड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी राग ने उसको, उन शब्दों को हम लालित्य राग रहे। तो इसको गाने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि पंडित भातखंडे जी ने जिस बात के लिए इतने परिश्रम करके हमारे सामने विद्या रखी, उसको हम जतन करके रखें इन बातों को समझते हुए। तो देखिए, इतना गाने से वसंत हो गया, नहीं तो से और धनाश में भेद रखते हैं। ये हम धनाश भी कहते हैं। बात दूसरे मूड में आने की जरूरत नहीं है। अगर ये अगर गर्भ पकड़े रखेंगे तो कुछ किसी राग के बाद कोई राग गा सकते हैं, उसकी चुटिया पकड़ के रखी है। बोली
Yeah.